हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने लास्ट के 7 एग्जांपल कर लिए थे। नाउ नेक्स्ट इज 8th। इसमें हमारे पास क्या प्रोवाइड कर रखा है? यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, तो हमें स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करना है। दिस इंटीग्रेशन वेयर सी इज़ द बाउंड्री ऑफ द ट्रेंगल विद द वर्टिसज दिस। तो हमें क्या दे रखा है? वर्टिसज प्रोवाइड कर रखी है एक ट्रेंगल की। तो इस वर्टिसज को आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। आप यानी कि एक्स वाई और जेड लाइन ड्रा कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पॉइंट ड्रा कर सकते हैं ईजिली। तो हमारे पास क्या होगी? इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट। ये हमारे पास क्या होता है? एक इक्वेशन जो हमारे पास अगर पॉइंट ए बी और सी से पास होती है उसकी इक्वेशन ये हमारे पास होती है। आपको ये हमारे पास ज्योमेट्री का रिजल्ट है, सीधा अपन ने अप्लाई किया हुआ है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस। अब बात कर रहे हैं हमारे पास इस इन पॉइंट्स की। तो जैसे कि देखो ऊपर दिए हुए हैं, ये हमारे पास ए बी सी जनरल पॉइंट दे दिए, इनकी जगह पे इन्होंने क्या दे रखा है? हमें 2, 3 और 6 दे रखा है। तो जहाँ पर ए बी सी है वहाँ पर 2, 3, 6 पुट कर देंगे और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई सरफेस की। ओके, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे यूनिट नॉर्मल। यूनिट नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए सिंपली सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल। तरीका हमारे पास सेम रहेगा, हमें क्या करना है? डेल एस निकालना है। डेल एस क्या काम करता है? हमारे पास नॉर्मल को फाइंड आउट करता है ऑन दिस सरफेस। तो डेल एस निकाल दिया हमने। एन कैप क्या होगा? डेल एस बाय मोड ऑफ डेल एस। तो ये हमारे पास होगी यूनिट नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए हमारे पास इन्होंने हमारे पास हमें क्या दिया होता? ये हमें क्वान्टिटी प्रोवाइड कर रखी थी। दिस क्वान्टिटी कैन बी रिटन एज दिस। ये कई बार क्वेश्चन आ गया इस टाइप का। तो आप इस क्वान्टिटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से यही क्वान्टिटी आ जाएगी। और हमारे पास क्या है? फाई एफ डॉट डी आर। तो कुल मिलाकर हमारे पास एफ ये पड़ा। स्टोक्स थ्योरम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? कर्ल ऑफ एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। एफ हमारे पास ये रहा। कर्ल ऑफ एफ निकालने का तरीका हमारे पास सेम रहेगा बाय डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। आफ्टर दैट जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या? कर्ल एफ। हमारे पास जो स्टोक्स थ्योरम का रिजल्ट है वो क्या कहते हैं? लाइन इंटीग्रेशन टू सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन में क्या होता है? एफ डॉट एन का कर्ल हमारे पास। तो कर्ल ऑफ एफ तो निकाल लिया अपने, और फिर हमें क्या करना है? डॉट एन करना है। तो कर्ल एफ ये हमारे पास आ गया। डॉट एन करेंगे, एन यूनिट नॉर्मल हमने पहले से ही फाइंड आउट कर ली है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो होगा उसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमारे पास अब बात कर लेते हैं इसकी जो हमें लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। लिमिट्स फाइंड आउट करने का मेथड जो है हमारे पास वही रहेगा। इक्वेशन हमारे पास जो दे रखी थी, क्या दे रखी थी हमारे पास? ये प्रोवाइड कर रखी है। ओके, तो ये इक्वेशन से हमने लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। तो मेथड जो मैंने आपको पहले बताया वही रहेगा। यहाँ पर मान लीजिए जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जेड इज इक्वल टू 6। वाई की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करोगे आप तो क्या हो जाएगी हमारे पास? ये जेड तो खत्म हो जाएगा, वाई की वैल्यू ये इधर चला जाएगा, 6 माइनस का 3x वाई में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से वाई की भी निकल जाएगी, इसी तरीके से जेड की भी निकल जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने निकाल रखी है, पहले एक्स की निकाली फिर वाई की निकाली और फिर हमारे पास जेड की वैल्यू तो है पड़ी। सरफेस के अंदर क्या करते हैं हम? डी एस अगर फाइंड आउट करना है, डी एस इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई, नीचे एन डॉट के, यानी कि डी एक्स और डी वाई है तो के हमारे पास जो जो कंपोनेंट बच जाता है ना जेड का, वो आ जाता है हमारे पास उसका यूनिट वैक्टर। डी एक्स डी वाई ओवर में एन डॉट के करेंगे। एन यूनिट वैक्टर हमने पहले निकाल रखा है, उनका डॉट करेंगे विद के साथ तो वैल्यू आ जाती है दिस। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। अब क्या कीजिए आप? अब जो हमारे पास वैल्यू प्रोवाइड की हुई है वो सारी की सारी यहाँ पे पुट कर देंगे, इसकी लिमिट ले लीजिए। लिमिट लेने के बाद हमारे पास इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 9th देखिए हमारे पास सेम ही हमारे पास क्वेश्चन है बिल्कुल पहले वाले की तरह। यहाँ पर एफ वेक्शन फंक्शन पहले ही प्रोवाइड कर रखा है, एफ दे रखा है, तो हम कर्ल ऑफ एफ निकाल सकते हैं। कर्ल ऑफ एफ निकलते सारी हम क्या करेंगे? द ट्रेंगल एक्स वाई प्लेन जेड कोऑर्डिनेट ऑफ ईच, इसके अंदर कह रहा है कि वो हमारे पास अगर देखिए यहाँ पर
इन पौधे तीन पॉइंट दे रखे हैं, इनमें पॉइंट्स में हमारे पास जेड की वैल्यू जो देखो जेड यहाँ पर जेड और जेड वो क्या है जीरो है। तो एन कैप हमारे पास क्या कह रहा है, एन कैप इज इक्वल टू के कैप कर्ल ऑफ एफ डॉट एन। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फार्मूला हमारे पास ये होता है स्टोक्स थ्योरम का, तो सिंपली क्या करेंगे हम टू इंटू में ये आ गई वैल्यू पुट कर दी हमने। इक्वेशंस फाइंड आउट करने का मैंने आपको पहले बता रखा है वाई वन, ये फार्मूला लिख रखा है इन्होंने पहले से, कई जगह पे फार्मूला नहीं लिखा होता, तो ये हम पॉइंट पुट करके हम निकाल सकते हैं इक्वेशन। किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो अगर हमारे पास उनके कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। एज एस एस इज द सरफेस ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो एक्स वेरीज फ्रॉम जीरो टू वन, तो लिमिट्स उसकी चेक कर लेंगे हमारे पास कहाँ से लेकर कहाँ तक है फिगर के अंदर। फिर हमारे पास y की वैल्यू क्या कर रही है, जीरो टू x कर रही है। तो वैसे इसके अंदर आप पुट कर दीजिए वैल्यू जीरो टू वन, y इज इक्वल टू जीरो टू एक्स, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब एक्चुअली क्या है कि रिपीटिशन हो रही है बार बार उन्हीं चीज़ों की। यहाँ पर देखिए फिर दोबारा से, बस जो आपके पास चेंज आ रहा है वो आ रहा है जो कंडीशन दी होती है, बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल्स प्रोवाइड करके हमारे पास जेड दे रखा है, वाई की वैल्यू जीरो टू वन है, जेड इज इक्वल टू थ्री है, एक्स की वैल्यू जीरो टू पाई है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या करेंगे, वही इसको राइट कर सकते हैं, एफ फंक्शन बना सकते हैं ना यहाँ पे डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के लिख के इनटू में करके, तो ये एफ फंक्शन हो जाएगा। कर्ल ऑफ एफ निकालना का तरीका सेम रहेगा, वही डिटरमिनेंट लगाइए आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब जो प्लेन लेना है उसी प्लेन को लिए, एज रेक्टेंगल लाइज इन द जेड इज इक्वल टू थ्री पैरल टू एक्स वाई प्लेन, एन इज इक्वल टू के कैप राइट कर लेंगे अपा और फिर डॉट कर देंगे एन के साथ, तो हमारे पास वैल्यू होगी साइन एक्स। सिंपली क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और डबल इंटीग्रेशन में लिमिट जो हमें प्रोवाइड करके वो इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो रिलेटेड थे हमारे पास स्टोक्स थ्योरम से। तो अब बात कर लेते हैं हम ग्रीन थ्योरम की। ग्रीन थ्योरम हमारे क्या प्रोवाइड करती है, सिंपली इसके अंदर भी हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन और इसके अंदर लाइन इंटीग्रल के बीच में रिलेशन होता है हमारे पास। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ डॉट डी आर है ना, तो जो एफ होता है यहाँ पर क्या करते हैं, डेल के साथ एफ का क्रॉस लेते हैं और डॉट करते हैं के साथ। तो यहाँ पर इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लाइन इंटीग्रल इन्होंने प्रोवाइड कर दिया, तो वेयर सी इज़ द ट्रायंगल हैविंग द वर्टिसेस, तो ट्रायंगल की वर्टिसेस प्रोवाइड कर दी डायरेक्टली बाय, एक तो डायरेक्टली करना है और बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम। तो दो तरीके से हम इस को सॉल्व करेंगे, तो वो देख लेते हैं हमारे पास। पहले तो ये ट्रायंगल्स बना सकते हैं, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करके था उससे ट्रायंगल बन जाएगी ये आपको। ओके, ट्रायंगल बनने के बाद हमारे पास देखिए कोई भी लाइन अगर फाइंड आउट करनी है, मैंने बताया था ये है हमारे पास फार्मूला, अगर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पड़े हैं तो निकाल सकते हैं। ओ बी निकालना है, ओ बी हमारे पास दिस, तो इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास वाई इक्वेशन आ जाएगी इस लाइन की, ओ बी की इक्वेशन आ जाएगी। और अब क्या किया इन्होंने, सारी के सारी जितने भी थे हमारे पास इनके अंदर ओ ए ए बी बी ओ ये सारे के सारे इन्होंने राइट कर लिए, ओ ए ए बी बी ओ तीनों के तीनों राइट कर लिया हमने। और अब क्या किया इन्होंने, लाइन टू लाइन चलेंगे अपन इसके अंदर, जैसे वाई इज इक्वल टू ज़ीरो डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, वो चेक कर लेंगे हम हमारे पास जो दिया प्रोवाइड किया हुआ है ना वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, और उसी तरीके से हम चलेंगे इसके अंदर। और ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है, सिर्फ रिपीट ही कर रहे हैं क्योंकि जहाँ पे हम लाइन इंटीग्रल की बात की थी वहाँ पे हमने ये सोल्व किए थे। और जो ओ ए है इंटीग्रल उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट हम जीरो टू टू पाई ले लेंगे, वो चेक कर लेंगे हमारे पास जो भी लिमिट दे रखी है। इसी तरीके से तीनों की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल कर दिया तो हमारे पास वैल्यू ये आ गई। ये तो था हमारे पास पुराना वाला मेथड, अब बात करते हैं बाय ग्रीन थ्योरम से। ग्रीन थ्योरम से क्या करना है हमें, एफ हमें प्रोवाइड कर रखा है, एफ इज इक्वल टू दिस एफ टू, ये पॉइंट है हमारे पास जो फंक्शन एफ वेक्टर होता है ना, एफ वन आई एफ टू जे कैन बी रिटन एज दिस एफ वन, अलग अलग कंपोनेंट राइट कर लिए बाय ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम हमें क्या कहती है, एफ वन और डी एक्स एफ टू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ कर ली एफ टू बाई में कर ली एक्स माइनस कर ली एफ टू बाई कर ली वाई डी एक्स डी वाई। ये हमारे पास क्या है, लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल में है। वैल्यू पुट करेंगे हम इसके अंदर,
वैल्यू पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम, और इसके बाद इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने के बाद इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, ज़्यादा इसमें अलग कुछ कर नहीं रखा है इन्होंने। नेक्स्ट हमारे पास जो इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, लाइन इंटीग्रल हमें प्रोवाइड कर दिया इन्होंने। ओके, सी वही कर्व हमें दे रखा है, वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों लाइंस आप देखो, कई बच्चों को तो ध्यान में रह जाती है वाई इज इक्वल टू एक्स के बराबर, बट कई बच्चों के ध्यान में नहीं रहती। तो आप क्या कर सकते हो, इजीली इसमें वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। और ये तो आपके पास देखो पैराबोला की टाइप में बन रहा है, तो ये देखिए पैराबोला की टाइप में बन रहा है। ओके, और ये हमारे पास y इज इक्वल टू, जहाँ पर x और y के पॉइंट इक्वल होते हैं, कौन सी लाइन होती है जो यहाँ से निकल के जाती है। आपसे अगर ना निकले तो आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो, बट ये काफ़ी पुराने भी अपने कई बार आ चुका है, जिसको ज्योमेट्री के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, जिसने ज्योमेट्री पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, तो उनको तो पता ही होगा, आपने पिछले सेमेस्टर में किया है। द गिवन कर्व इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास कर्व हम ड्रा कर सकते हैं इजिली। देखिए कभी भी हमें, अगर मान लीजिए ये दो हमारे पास लाइंस दे रखी हैं, अगर हमें इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करते हैं, एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर वाई की जो वैल्यू एक्स है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएंगे, वो पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, ज्योमेट्री की बात है, यहाँ पे हम ज्योमेट्री के रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो, देखिए जब x 0 होगा, x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू 0 मिलेगी हमें, x की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो y की वैल्यू 0 मिली, जब x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो आपको y भी 1 मिल गया, तो ये हमारे पास पॉइंट मिल गए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो 0 0 1 1। ओके, नाउ अब इसके जो एरिया बन रहा है हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और ये दो हैं हमारे पास, इन दोनों के लिए हम अलग अलग ड्रा करेंगे, दोनों लाइनें लेके चलेंगे। देखिए ओ बी ए, ओ बी ए, एक्चुअली ये कर्व फॉर्म में बन रहा है, तो इन्होंने यहाँ पर एक मतलब वैसे पॉइंट बना दिया, ड्रा कर दिया है, ये हमारे पास एक कर्व है ओ बी ए। ओके, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये लाइन है ए ओ ए। ओके, ये लाइन होगी और ये कर्व हो गया हमारे पास, इन्होंने यहाँ पर ओ बी ए राइट कर दिया। तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिए एक लाइन है हमारे पास ऐसे करके जो शो हो रही है। तो दोनों के लिए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर अलोंग द कर्व दिस वाई इज इक्वल टू एक्स कर, ये हमारे पास जब ये पॉइंट लेके चलेंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी हमें डी वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और लिमिट हमारे पास लाई करेगी फ्रॉम 0 to 1, वो आप पॉइंट में देख लेते हैं ना कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करती है। तो क्या करेंगे, पहला ये निकल जाएगा, इंटीग्रेशन वैल्यू पुट कीजिए और इंटीग्रेशन सोल्व कीजिए। सेकंड में अगर लाइन की बात कर रहे हैं तो वाई इक्वल टू एक्स है, तो डेरिवेटिव कर दीजिए, लिमिट ले लीजिए 0 1 to 0, तो यहाँ पर भी वही लिमिट पुट कर देंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। ये लाइन इंटीग्रल हो गया हमारे पास। यहाँ पर अगर F1 और F2 की बात की जाए तो ये हमारे पास, तो अगर सरफेस इंटीग्रल निकालना है तो क्या करें, यही हमारे पास कर ली F2 बाई में, ये हमें पता होना चाहिए क्या है, तो अगर ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो पुट कर दीजिए, dx dy हमारे पास पड़ा है, लिमिट पुट कीजिए और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अगर ये दोनों बराबर हैं, इट मीन्स हमारे पास ग्रीन थ्योरम वेरीफाई होगी। जब भी आपको ये बात बोलता है कि आपको वेरीफाई करना है, तो हमें दोनों साइड ही प्रूव करनी होती हैं, लाइन इंटीग्रल भी सोल्व करना और सरफेस इंटीग्रल भी सोल्व करना आपको। 13th एग्जांपल देखिए हमारे पास, ग्रीन थ्योरम हमारे पास के बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है ये हमारे पास, ये लाइन इंटीग्रल दिया हुआ है, इवेल्यूट करना है तो सिंपली हमें क्या करना है, जो डबल इंटीग्रेशन है, और ये हमें दे रखा है रेक्टेंगल के पॉइंट दे रखे हैं। ओके, कोई बात नहीं, हमारे पास पॉइंट पड़े हैं तो पॉइंट अपा इसके अंदर पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद जो हमारे पास इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, ये क्या हो गया, F1 F2 F3, ये 3 तो है ही नहीं, सिंपली F1 और F2 ही हैं यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। आप सिंपली इसके अंदर पुट कर दीजिए, आपको लिमिट लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर x की लिमिट चेक कर लीजिए और फिर y की लिमिट चेक कर लीजिए, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से 14th एग्जांपल है आपके पास, ये क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल सेम वैसे ही आप इसको खुद ट्राई करके देखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है इन्होंने, इसमें भी आपको दोनों ही फाइंड आउट कर रहे हैं। ये 15th क्वेश्चन देख लीजिए आप क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि ये लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, ये कुछ दे रखा हमारे पास,
देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं बाकियों से। इसमें हमें क्या करना है, फाई डेल फाई डॉट डी आर इज़ इक्वल टू, ये कह रहा है हमारे पास। देखिए जो आपके पास स्टोक्स थ्योरम है, हमने क्या किया लाइन इंटीग्रल के ऊपर जो स्टोक्स थ्योरम थी ना, सिर्फ वही वही अप्लाई किया हमने। यहाँ पे क्या था, डेल क्रॉस दिस इनटू में एन कैप, यही था ना हमारे पास। मान लो जे अगर ये वाली जो टर्म है हमारे पास एफ, यहाँ पे एफ डॉट डी आर होता तो क्या करते, एफ का डेल क्रॉस करते डॉट में एन, एन कैप लेते, यही लेते थे अपन। ये इसको इसके बराबर नहीं लिखा, इसी का ही इन्हें स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किया है। ओके कुछ स्टेप्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सोल्व डेल क्रॉस फाई डेल साई को सोल्व किया, डेल क्रॉस। हाँ जी सिंपल तरीका हमारे पास, ये हमने पहले किया है डेल क्रॉस, तो इनके ऊपर अप्लाई करेंगे कि पहले क्या करते हैं, इस फाई के ऊपर स्केलर पॉइंट फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया, क्रॉस में डेल फाई सेम रख दिया प्लस, फिर फाई को रखा सेम, फिर जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे डेल फाई के ऊपर तो ये डेल अप्लाई हो रहा है जो, वो कर्ल के फॉर्म में हो जाएगा, कर्ल ऑफ डेल फाई। अब यहाँ पर जो कर्ल ऑफ डेल फाई जो निकला है हमारे पास, जो कर्ल ऑफ डेल फाई जो निकाला है अपन ने यहाँ पर, ये वाली वैल्यू हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ज़ीरो। ओके क्योंकि फाई इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड डेल इज अ वेक्टर, वेक्टर ऑपरेटर होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। स्केलर का जब कर्ल लिया जाता है देन वैल्यू बिकम ज़ीरो, तो बची हमारे पास सिर्फ ये क्वांटिटी, तो राइट कर दिया हमने। अब चलते हैं हम दोबारा से यहीं पे, तो इसकी वैल्यू अभी अपने, इसकी वैल्यू हमने ये निकाल दी, पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू। ओके तो थोड़ा सा अगर देखें ऊपर तो यही सेम टू सेम हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ओके इसके बाद हाँ जी ये हमारे पास ये लास्ट एक्सरसाइज थी, इसके क्वेश्चन आप कर लेना और इसके बाद लेक्चर जो है वो रिलेटेड होगा हमारे पास स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन थ्योरम जो हमारे पास है उसके प्रूफ के ऊपर करेंगे।